मेरी उस फिल्म के बाद खूब टूटी थी शादियां, कपल देने लगे थे एक दूसरे को तलाक। भाई किस फिल्म की बात हो रही है और कौन सी एक्ट्रेस है जो बोल रही है कि मेरी इस फिल्म के बाद लोगों की शादियां टूटने लगी थी, कपल एक दूसरे को तलाक दे रहे थे। कहीं ये काम करण जौहर का तो नहीं? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि पड़ोसन का काम तो वही करते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं कि आखिर कौन सी एक्ट्रेस है, कौन सी मूवी थी, किसने बनाई थी जिसकी वजह से लोगों ने एक दूसरे को तलाक ही देना शुरू कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी हैं, जिन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा ना कहना के बारे में उन्होंने बात की और बताया कि इस फिल्म की रिलीज के बाद तलाकों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। अब लोगों ने ऐसे तो उनका नाम कलेश विदकरण नहीं रखा है, क्योंकि सबकी शादियां तोड़वा रहे हैं यार। मतलब वो कहते हैं ना मैं खुद करूंगा ना किसी की रहने दूंगा, वैसा सा हाल हो गया है उनका। जैसे अभी दीपिका और रणवीर आए थे पहले गेस्ट बनकर उनके नए सीजन में, 8वें सीजन में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई बात छेड़ दी और उसके बाद ऐसा कुछ खुलासा हुआ जो लोगों को भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो ये करण जौहर की फिल्म थी जो जिसमें रानी मुखर्जी थी, कभी अलविदा ना कहना, ये फिल्म थी जिसके बारे में उन्होंने खुलासा किया कि इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को तलाक देना शुरू कर दिया था, तलाकों की संख्या बढ़ गई थी। अब बताते हैं, आगे बात करते हैं। रानी मुखर्जी गोवा में आयोजित IFFI में अपनी से सुपरहिट फिल्म के बारे में बात कर रही थी। उन्होंने बताया, मुझे लगता है कि कभी अलविदा ना कहना वो ऐसी फिल्म थी जिसके बाद तलाकों की संख्या काफ़ी इंक्रीज हो गई थी, काफ़ी बढ़ गई थी। रानी मुखर्जी ने बताया कि कैसे लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के बाद बहुत बेचैन हो उठते थे, फिल्म देखकर लोगों को तकलीफ हुई। अब फिल्म देखकर लोगों को कैसे तकलीफ हुई, चलिए इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। करण जौहर रियलिटी चैट शो होस्ट करते हैं, कॉफी विद करण, उसका 8वां सीजन चल रहा है और उसमें जल्द ही नजर आएंगी रानी मुखर्जी और काजोल। इसमें रानी मुखर्जी ने कुछ कहा है, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग थे जो सिनेमा घरों में ये फिल्म देखने जाया करते थे और इसे देखने के दौरान बहुत तकलीफ महसूस करते थे। मुझे लगता था कि करण जौहर को इस फिल्म के बारे में यही फीडबैक मिला है, लोगों ने लिया तलाक लेने का फैसला, मतलब फिल्म देखने के बाद उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर दिया। रानी मुखर्जी ने ये कहा कि उनको लगता है कि इस फिल्म ने लोगों की आंखें खोल दी और यही वजह है कि खुश रहने का ऑप्शन चुनते हुए बहुत सारे लोगों ने तलाक को ऑप्शन समझा, तलाक लेने का फैसला किया। रानी मुखर्जी ने अपना किरदार माया के बारे में भी खुलकर बात की। रानी मुखर्जी ने बताया कि माया के किरदार के बारे में जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि वो ऋषि को एक दोस्त के तौर पर अलग ही लेवल पर प्यार करती थी। उसे शाहरुख खान के किरदार में जो मिला वो वैसा रोमांस था जिसको वो हमेशा से तलाश कर रही थी, जिसकी हमेशा से उन्हें तलाश थी। रानी मुखर्जी ने यह भी बताया कि ये ज़रूरी है कि आप एक महिला से उसकी चाहतों और उसकी चॉइस के बारे में बात करें, सिर्फ इसलिए कि एक पति उसे पीटता नहीं है उसका ये मतलब नहीं है, वो उसके साथ बिस्तर में भी अच्छा होगा और आप उसे प्यार करेंगी। तो रानी मुखर्जी ने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि क्या एक लड़की से कभी पूछा जाता है कि क्या तुम इस लड़के से अट्रैक्टेड हो? तो बहुत सारी बातें उन्होंने की और भी बहुत सारी सुनने को मिलेंगी जब ये एपिसोड लाइव होगा। और काजोल क्या कहती है रानी मुखर्जी के बीच में और क्या चीज़ें सुनने को मिलेंगी, वो भी काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है, सुनने में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बात करें कि फिल्म कभी अलविदा ना कहना में कौन था, तो उसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और अभिषेक बच्चन थे जो कि लीड रोल में नजर आए थे। फिलहाल इतनी सी ही बातें पता चली हैं अभी जो रानी मुखर्जी ने कही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जो फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना, उसके बाद जो लोगों ने तलाक देना शुरू कर दिया था एक दूसरे को, कपल्स के अमंग जो तलाक लेने की संख्या थी वो काफी बढ़ गई थी। अब इस पर आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके बताएं और तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।